अब फैमिली आईडी में बदला जा सकता है परिवार का मुखिया। पहले सबसे उम्र दराज व्यक्ति होता था मुखिया, अब दादा के रहते पोता भी बन सकता है मुखिया। फैमिली आईडी में रिश्ते ठीक कराने के लिए कॉमन सर्विस सेंटर पर डलवानी होगी रिक्वेस्ट। अब नए विकल्प के तहत परिवार पहचान पत्र में परिवार का मुखिया बदला जा सकेगा। परिवार पहचान पत्र में आपस में गलत दर्शाए गए रिश्तों की त्रुटि भी तुरंत ठीक हो सकेगी। इसके लिए पात्रों को कॉमन सर्विस सेंटर CSC सेंटर पर ऑनलाइन रिक्वेस्ट डालनी होगी और जरूरी दस्तावेज भी अपलोड करने होंगे। भिवानी के मानव सूचना एवं संसाधन विभाग के जिला समन्वयक खुशवंत सिंह ने बताया है कि पहली बार परिवार पहचान पत्र में परिवार का मुखिया बदलने और गलत रिश्तों को ठीक करने का विकल्प खोला गया है। अब तक परिवार पहचान पत्र में परिवार में आयु और रिश्तों में सबसे बड़े व्यक्ति को ही मुखिया दर्शाया जाता रहा है, मगर अब दादा या फिर पिता का नाम परिवार में शामिल होते हुए भी बेटा या पोता भी मुखिया बन सकेगा या किसी महिला को भी मुखिया बनाया जा सकेगा। भिवानी में 324,579 परिवारों के 12,49,175 सदस्यों का डाटा परिवार पहचान पत्र पोर्टल पर अपडेट हो चुका है। ITR भरने वाले भी एक साल बाद फिर करा सकेंगे आय में संशोधन। BPL सूची से कई परिवारों के नाम तो सिर्फ इसलिए हट गए क्योंकि बैंक से कर्ज लेने की चाह में आयकर विभाग से ITR भर रहे हैं। लोन लेने के कारण ITR भरना पड़ा, जिसकी वजह से BPL सूची से नाम काट दिया गया। पहले ITR भरने वाले परिवार 3 साल तक अपनी आय संशोधित नहीं करा सकते थे, मगर अब 1 साल बाद ही ITR भरने वाले भी परिवार पहचान पत्र में अपनी परिवार की आमदनी को संशोधित करा सकेंगे।